प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कांडावाजी विधानसभा सीट से गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। टिटलागढ़ उपजिला न्यायाधीश कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री पटनायक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर बीजेडी नेता कार्तिक पांड्यन के साथ बलंगीर सांसद उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह भोई, वरिष्ठ नेता अनंग उदय सिंह देव, टिटलागढ़ के विधायक उम्मीदवार टुकुनी साहू, बलंगीर विधायक उम्मीदवार कलिकेश सिंह देव प्रमुख उपस्थित रहे। जानकारी के मुताबिक नामांकन भरने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज तड़के भुवनेश्वर से हेलीकॉप्टर से टिटलागढ़ के लिए रवाना हुए थे। यहां तुषणा एयर स्ट्रिप पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला टिटलागढ़ सिटी स्कूल प्लेग्राउंड पहुंचा। यहां से रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री का काफिला उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर भीड़ थी। महिला कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। स्थानीय बीजेडी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कांडाबाजी से चुनाव लड़ने की खबर सामने आने के बाद से ही लोगों में उत्साह है। ऐसे में मुख्यमंत्री के काफिले के आने से पहले ही रास्ते के दोनों ओर बीजेडी कार्यकर्ता खड़े थे। यहां चुनाव लड़ने के कारण पूरे इलाके में खुशी की लहर है। टिटलागढ़ थाना चौक पर प्रवाद पुरुष बीजू पटनायक की प्रतिमा पर नवीन पटनायक ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चुनाव में नवीन पटनायक अपनी पारंपरिक सीट हिंजिला के साथ कांटाबाजी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने हिंजिला विधानसभा से नामांकन किया था और आज कांटाबाजी विधानसभा से नामांकन भरा है। गौरतलब है कि कांटाबाजी विधानसभा सीट से नवीन पटनायक के खिलाफ भाजपा ने लक्ष्मण बाग को और कांग्रेस ने संतोष सिंह सलूजा को चुनावी मैदान में उतारा है। संतोष सिंह सलूजा अभी इस सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। नवीन पटनायक के नामांकन के बाद टिटलागढ़ विधायक उम्मीदवार टुकुनी साहू ने भी नामांकन किया है।